इमली कैंडी बनाने के लिए ली है मैंने 100 ग्राम के करीब सीडलेस इमली और 100 ग्राम डेट्स। सबसे पहले हम इनको एक बाउल में डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप गर्म पानी और 20 मिनट के लिए हम इसको सॉक करके रखेंगे। इसे ये अच्छे से भीग जाए। 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे और 20 मिनट बाद हम इसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हो गए हैं इसको भीगे हुए 20 मिनट। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब मैंने बना लिया है इसका फाइन पेस्ट। अब इसको हम एक छलनी से छानेंगे। ये देखिए, ये मैंने इमली और डेट्स को अच्छे से पीस लिया है। अब इसको मैं एक पैन में डालूंगी। ये मैंने लिया है 50 ग्राम के करीब गुड़ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये पेस्ट अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मसाले। ये लिया है मैंने थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा हींग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल बर्तन से अलग होने लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसकी कैंडी बनाएंगे। अब हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो गया है। यहाँ लिया है मैंने एक प्लास्टिक शीट, उस पे रखूंगी मैं ये इमली और डेट्स का पेस्ट। और इसको रैप कर। कैंडी तैयार है। इसी तरह से मैंने सारी कैंडीज तैयार कर ली हैं।